हेलो एवरीवन, मैं विक्रमादित्य हिंदी में ये वाला प्रोग्राम कर रहा हूँ। रेसिपी अब आपका तो पहली प्रोग्राम है, उसको कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया हिंदी में, जो भी मैंने वीडियोस किया उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। तो मैंने सोचा कि एक पूरा सीरीज मैं हिंदी में करूँगा। इसमें जो है पूरा अबैप का जो भी बेसिक्स है उसको मैं कवर करने के लिए ट्राई करूँगा, मैक्सिमम जो वीडियोस में हैं। अगर आपको एडवांस लेवल चाहिए, आपको अगर जॉब ओरिएंटेड का ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी अपना अपने अपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो गया, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा youtube.com/jsoftech। और अगर आप ट्रेनिंग के रियल टाइम ट्रेनिंग के लिए देख रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं training@jsoftech.com। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाह रहे हो, तो आपका सर्वर एक्सेस के लिए भी training@jsoftech.com को आप मेल कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए अगर आप देख रहे हो, तो आप jobs@jsoftech.com ये मेल आईडी पे आप मेल करके आपके डिटेल्स को दे सकते हैं, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। तो training@jsoftech.com में भी आपका अगर ट्रेनिंग लेना हो, वन ऑन वन ट्रेनिंग और या प्रोजेक्ट रिलेटेड रियल टाइम ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग आपको कुछ लेना है, तो आप training@jsoftech.com करना है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर सकते हो, यू कैन गेट, आपको बेसिक आइडिया आ सकता है। आप training@jsoftech.com पे मेल करके, आपको अगर सर्वर डिटेल्स चाहिए तो उसके बारे में हम लोग डिटेली एक्सप्लेन करेंगे। आपको सर्वर डिटेल्स कैसे कैसे आपको मिलेगा, उसका उसका पेमेंट रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी हम लोग इस सेशन में एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि हमें पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप्स क्या है प्रोग्राम करने के लिए, फिर बाद में मैं सर्वर पे आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। अभी प्रोग्राम करने के लिए स्टेप्स ये है, आपको पहले लॉगिन करना होगा। ये लॉगिन का डिटेल्स जो है आपको मैं बता रहा था कि अगर आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं training@jsoftech.com पे। उसको मतलब कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, मैं आपको बताऊंगा डिटेली। आप हमें मेल कर सकते हैं। एक बार अगर सर्वर आपके पास है, तो आप उसमें लॉगिन करके पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन कोड AC38 में कर सकते हैं, या AC80 में भी आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, मगर अभी जो है मैं AC38 में करूँगा, जिसमें जिसको बोलते हैं अब ऑपरेटर। और ये ट्रांजैक्शन में लॉगिन करने के बाद हम लोगों को प्रोग्राम का नाम आइदर वाई से स्टार्ट करना होगा या जेड से स्टार्ट होना, क्योंकि ए से लेके एक्स तक जो भी प्रोग्राम्स है वो SAP के स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो SAP वाले ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं। तो अगर अगर आपको रियल टाइम में मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो वाई और जेड से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो सब SAP के स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके बाद जो है एक बार ये प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद, आप उसको एक प्रोग्राम का नाम देने के बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, या F5 फंक्शन की जो आपके कीबोर्ड पे है उसको आप क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको टाइटल और टाइप देना है। टाइटल आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, टाइप टाइप जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट पॉपअप में आपको लोकल ऑब्जेक्ट क्लिक करना होगा। और उसके बाद जो है आपको आपका सिंपल सा एक कोड लिखेंगे हम लोग कि राइट राम प्रोग्राम 123, कुछ भी। और इसके बाद जो है हम लोग सेव करेंगे, चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो 8 स्टेप है इसको आप लिख सकते हो कहीं पे, लिख के बाजू रख के आप अगर आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ये सर्वर में लॉग इन कर रहे हैं, आपको जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो देना है। जब लॉगिन कर रहे होते हो, ऐसा एक पॉपअप दिखेगा जिसमें कि ये पूछेगा कि ऑलरेडी आपका लॉगिन है यही यूजर आईडी से, उसको वो वाला सेशन क्लोज करें या ऐसे ही रखें। अभी फर्स्ट वाला सेलेक्ट करोगे तो आपका प्रोग्राम, आप लॉगिन करोगे और दूसरा जो लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगा। अगर सेकंड वाला सेलेक्ट करोगे तो आपका भी लॉगिन रहेगा, दूसरे का भी लॉगिन रहेगा। कंफर्म सिलेक्शन। तो उसके बाद जो है हम लोग को AC38
38 में जाना है। इसी 38 में आपका प्रोग्राम का नाम जो है जेड JH underscore first program जो फर्स्ट पॉपअप जो है, फर्स्ट पॉपअप में मैंने टाइटल दिया फर्स्ट प्रोग्राम एंड फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट पॉप में जो है मैंने टाइटल दिया हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम, और टाइप जो है मैंने उसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रो नेक्स्ट पॉपअप जो आएगा उसमें आपको लोकल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। सो हियर वी हैव दिस टाइप एज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, then we need to click on in this second pop-up, you need to click on the local object, and here we need to give the program, we need to write the program here. एक हम लोग एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि write स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। write स्टेटमेंट में हम लोग को जस्ट आउटपुट देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या है। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम तो इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस यूज कर सकते हैं, और सिंटैक्स चेक के लिए आप कंट्रोल एफ टू यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे चेक भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करके एक रेडियो बटन रहेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। चेक दिस नो सिंटैक्स चेक एंड देन उसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने क्यों एक्टिवेट करना है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। एज ऑफ नाउ अभी यही जानिए कि आपको एक्टिवेट करना है प्रोग्राम को। एक बार एक्टिवेट हो जाता है एक पॉपअप आएगा, एक पॉपअप में आप टिक एंटर दबाइए बस, और कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। ये पॉपअप जो आता है उसमें, और एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक्टिवेट है प्रोग्राम। तो एक बार एक्टिवेट होने के बाद ही आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डायरेक्ट प्रोसेसिंग क्लिक कर सकते हो, या F8 फंक्शन की F8 फंक्शन की जो आपके कीबोर्ड पर रहता है उसको भी क्लिक कर सकते हो। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेसिंग होएगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद अपने को आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे ये आउटपुट जो दिख रहा है ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये आ गया। और ये स्टेप्स है प्रोग्राम करने के लिए, और मैंने स्टेप्स बता दिया और प्रोग्राम कैसे करना है सर्वर में भी बता दिया। सर्वर एक्सेस के बारे में आप हमारे मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।